नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। शिवसेना भी लड़ेगी लोकसभा चुनाव। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। शिवसेना पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। राजगढ़ जिले से इससे पहले भी शिवसेना विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। शिवसेना के राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी पहुँचे माता बगलामुखी के दरबार। अपनी विजय कामना को लेकर माता से लिया आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि शिवसेना की सरकार बनती है तो राम मंदिर गोरक्षा के लिए काम करेंगे, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो लगाएंगे। ये कहना है शिवसेना से राजगढ़ लोकसभा उम्मीदवार का। सबसे पहले तो गौ माता परेशान है जी, पॉलीथिन खा रही है, रोज मर रही है, कोई सुन नहीं रहा है ना। सरकार ने बताया था कि होगा, गौशालाएं खुलेगी, एक भी गौशाला अभी तक खुली नहीं है। जब तक गौशाला खुलेगी तब तक तो गायें मर जाएगी। तो आप सांसद बनते हैं, अगर मौका मिलता है, सरकार आपकी बनती है, तो क्या मतलब इस गाय माता के लिए क्या करेंगे आप? पंचायत स्तर से गौशाला जो भी से बनेगा, जो भी व्यवस्था होगी उनकी फुल फाल करेंगे। और किन मुद्दों को लेकर? युवा परेशान है जी, बेरोजगार है जी, बिल्कुल ऐसे ही किसान परेशान है। युवाओं को रोजगार देंगे आप? और देश में जो है आतंकवाद, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देश में आतंकवाद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? तो देश में अगर कोई आपत्ति आई और शिवसेना को मौका मिला तो क्या करेंगे फिर आप? बिल्कुल, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँ। आगरमालवा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।